हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पर चलता है, कुछ रेडियस है और कहता है अट्रैक्टिव वाला पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी लिख दी है इसने और मांगा गया है अपन से टोटल एनर्जी कितना होगा। सिर्फ अगर फॉर्मूला देखोगे ना टोटल एनर्जी का, तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप लोगों को याद करना है। ई का टर्म लिखते हैं अपन और यहाँ लिख देते हैं के प्लस यू, राइट right? ये पूछा गया अपन से। तो काइनेटिक कितना होता है, 1/2 होगा और एमवी स्क्वायर का टर्म होगा, और ये टर्म तो दिया हुआ है, मतलब माइनस ऑफ के 2R² है ना। इतना अपन को देखते ही समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। सर्कुलर पाथ की बात बोली है, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से समझा दूं मैं, तो एफ का टर्म कितना होता है, माइनस ऑफ डी यू डिवाइड बाई डी आर, वेरिएबल है आर यहाँ पे, ऐसा कुछ चल रहा होगा। ये एक सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल, तो सेंटर की तरफ क्या होगा, एक सेंट्रिपेटल फोर्स का टर्म देखा जाएगा, जिसको अपन एफ ऑफ सी से समझते हैं। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं अपन। ये जो टर्म बन रही है नेगेटिव के साथ, वो हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा डेरिवेशन डी बाय डी आर, यू का टर्म ऊपर से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के डिवाइड बाय 2R², और आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। सॉल्व करोगे तो बच्चों मिलेगा K/2, तो बाहर आ जाएगा अपने पास, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ मिलना चाहिए माइनस ऑफ 2 × 1/R³। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, तो आ रहा है बच्चों आंसर माइनस ऑफ K डिवाइड बाय R³। ऐसा क्यों किया अपन ने, कि कहीं से फोर्स मिल जाएगा तो कुछ कुछ अपन आगे स्टडी और कर सकते हैं। ये वही फोर्स है जो कि आपको अट्रैक्टिव नेचर का बताया गया है। द रीजन बिहाइंड दिस, ये नेगेटिव का टर्म है और आप देखोगे तो जो यूनिट वेक्टर होगा आर का, वो अवे जा रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड, और फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इनवर्ड। तो आप यहां से अगर मैग्नीट्यूड्स को रिलेट करोगे तो क्या होगा, सेंट्रिपेटल फोर्स होगा, ये हो जाता है mv² / r। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, अपने को इसकी जरूरत है बस अभी, और ये हो जाएगा K/R³। मैंने किया यहाँ पे कैंसिलेशन, और आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है कि mv² का टर्म मिल रहा है K/R² यहाँ रख देते हैं अपन। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 और हो रहा है अपने पास K/R² का टर्म, और ये तो टर्म समझ में आ ही रहा होगा अपन को आंसर अब के क्या होना चाहिए। ये आपका टोटल एनर्जी का टर्म है जो कि बच्चों साफ साफ मिल रहा है 0। ठीक है, बस हमने किया क्या है, क्वेश्चन में एनर्जी का टर्म दिया, उसको डिफ्रेंशिएट मारा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर लेकर चल रहे हैं अपन। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, ये टर्म के साथ रिलेट किया तो अपन को ये मिल गया, एक डायग्राम बना दिया गया है। और ये तो थ्योरेटिकली बातें हैं जो अपन को सीधा कह रही हैं कि एनर्जी होगी 0, ऑप्शन 2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे समझेंगे तो हमेशा इससे चालू करना है सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।